तो भाई गाड़ी जो है वो वापस से रैप के लिए जा रही है, उसको भी बात चल रही है एक दो लोगों से बेचने के लिए। लेट्स सी कब तक बिकती है। जाने से पहले ही बेच के जाऊंगा भाई, थोड़ा पैसे वैसे आए और वो उसका भी लोन खत्म हो ताकि। तो भाई कोर्ट में ना अपने को दो इम्पोर्टेंट काम है। एक तो सबसे पहले अपनी जो स्कॉर्पियो एन की RC है ना, वो भाई फरवरी में डिस्पैच हुई थी। एंड भाई आज लास्ट टाइम इस वाले घर में से अपनी गाड़ी को पार्किंग से निकाल रहा हूँ, उसके बाद से बस खत्म। हाँ भाई लड़के, क्या हाल चाल? ले चले तेरे को भी लंदन गाड़ी में बिठा के। नहीं जाएगा, स्कूल जाने का तूने? चलो भाई गाड़ी जो है वो वापस से रैप के लिए जा रही है। मेरे को कहीं शूट पे जाना है तो इसलिए अभी अभिषेक आया हुआ है और ये गाड़ी ले जाएगा हॉर्स कार्स और हमें 3-4 दिन में मिलेगी। फिर आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ओवरऑल ज्यादा डिजाइन में चेंजेस नहीं है, बट एक दो कुछ हमसे भी गलतियां हो गई थी, वो हटाने के लिए रैप पूरा चेंज करवाना पड़ रहा है। रूफ का छोड़ देंगे खाली, बाकी साइडों का, दोनों तरफ आगे का एंड पीछे का पूरा रैप चेंज होगा। फिर से 2-3 दिन लगेंगे और पैसे भी लगेंगे, बट कोई नहीं भाई, अब इतनी लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं तो कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अच्छे से काम हो जाएगा। चलो जी चलो निकालते हैं गाड़ी और ले जो। पहले ना मुझे भाई बैंक जाना है, क्योंकि वहां से मुझे पता करना है अपना एक कार्ड के बारे में, फोरेक्स कार्ड के बारे में बेसिकली, क्योंकि बाहर जा रहे हैं भाई, हर जगह डीजल डलवाना होगा, होटल बुकिंग करवानी पड़ेगी, कहीं पे कैश भी निकलवाना पड़ सकता है। तो अब कितना ही कैश हम यहाँ से कैरी करेंगे एंड किस किस कंट्री का करेंगे, जहाँ भी तो भाई 23-24 कंट्री रहे ना। तो हमने डिसाइड किया कि दो कार्ड फोरेक्स के मैं बनवा लूंगा, दो पांडे बनवा लेगा। तो एक तो हमने FI करके एक कार्ड था वो अप्लाई कर दिया है और दूसरा मैं सोच रहा हूँ मेरा अकाउंट है ICICI में, तो वहां जाके पता करता हूँ क्या सीन है उनका कार्ड का, फिर वहीं पे अप्लाई कर देंगे एक। तो अभिषेक तो लेकर चला गया स्कॉर्पियो और मैं आ गया हूँ भाई टियागो में। आज भाई टाइम निकाल के अपनी थार को भी लेकर आना है, दूसरे वाले घर पे खड़ी हुई है पार्किंग में अभी तक, उसको भी बात चल रही है एक दो लोगों से बेचने के लिए। लेट्स सी कब तक बिकती है। जाने से पहले ही बेच के जाऊंगा भाई, थोड़ा पैसे वैसे आए और वो उसका भी लोन खत्म हो ताकि। और एक और काम करवाना है भाई, उसके लिए मुझे कोर्ट जाना है। एक्चुअल में एक काम नहीं, दो काम करवाने हैं कोर्ट जाके, एंड उन दोनों कामों के बिना ना हम भाई लंदन ट्रिप पे जा ही नहीं सकते किसी भी हालत में। वो करवाने बहुत जरूरी है, आज ही करवाने पड़ेंगे। बैंक तो पहुंच गया हूँ, पता करते हैं अच्छे अच्छे ऑफर होंगे अगर कार्ड से रिलेटेड। तो ये वाली ब्रांच है भाई जहाँ पे मैं आता हूँ, मतलब यहीं पे अपने अकाउंट से। चलो भाई कार्ड का पता कर लिया है, कल या परसों में अप्लाई हो जाएगा। पहले मैं डिस्कस करूंगा घर जाके एक बार, डिस्कस किया मतलब सोचूंगा कि कौन सा ऑफर कार्ड का बेस्ट है। और दूसरा अपने सारे अकाउंटों में भाई एड्रेस भी चेंज करवा लिया, क्योंकि पहले हमारा वो वाला था जो सदर बाजार वाला घर था ना, उसका एड्रेस, फिर हम रेंट में शिफ्ट हुए तो मैंने एड्रेस चेंज ही नहीं करवाया। मैंने कहा रेंट का घर है, पता नहीं कितने टाइम रहेंगे, बट अब फाइनली अपना घर हो चुका है, इसलिए अब जो फाइनल घर है उसी का एड्रेस चेंज करवा लिया अभी। हालांकि आधार कार्ड में भी चेंज करवाना है और साथ में भाई घर का जो बिजली का बिल आता है उसमें भी चेंज करवाना है। तो काम तो बहुत है, टाइम कम है। चलो लेट्स गो, करते हैं बाकी के काम भी। ठीक है चल भाई, चल अंदर चल, अंदर चल, चलो 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 चलो। अरे घेरेगा बेटा तू किसी दिन, तो सुधर जा, टाइम है अभी भी फिट जाएगा। पापा टियागो की चाबी नीचे है। टियागो की चाबी नहीं मिल रही, स्कॉर्पियो तो गई थी सुबह, आपने देखा ही था। सच थार की भी चाबी लेनी है, ले ही आता हूँ थार जाके। ये भाई टियागो की भी मिल गई, पहले तो कोर्ट जाके ना वो काम ही निपटा दे ताकि एक टेंशन तो निपटे अपनी, उसके बाद वही के वही थार लेने चला जाए। भाई कोर्ट में ना अपने को दो इम्पोर्टेंट काम है। एक तो सबसे पहले अपनी जो स्कॉर्पियो एन की RC है ना, वो भाई फरवरी में डिस्पैच हुई थी और हमारे ना पुराने वाले एड्रेस में आई थी, क्योंकि आधार कार्ड वगैरह में सब जगह वहीं का एड्रेस था जो हमने बेच दिया है सदर बाजार का। अब वहां पे भाई डिलीवरी अटेम्प्ट हुई होगी, कोई मिला नहीं क्योंकि वो मकान तोड़ के अब जिसने भी खरीदा प्लॉट बना दिया है, तो जिसकी वजह से ना भाई 2-3 बार डिलीवरी अटेम्प्ट ना मतलब होने पे हो नहीं पाई, तो इसलिए ना रिटर्न चली गई है। अब उसमें ऑनलाइन दिखा रहा है, जब मैं ट्रैक कर रहा हूँ ना वो दिखा रहा है कि हेड ऑफिस में पड़ी है। तो मैंने विक्रम भाई से भी बात करी, वो कह रहे हैं कि अपना जो कोर्ट है उसमें मिनी सेक्रेटरेट है, वहाँ पर होंगी। तो एक तो वो है भाई कि स्कॉर्पियो की RC उठानी है, उसके बिना आपको पता ही है भाई मुंबई जाना है, फिर आगे भी इंटरनेशनल ट्रिप पे पूरी, तो RC तो चाहिए ही चाहिए, डिजी लॉकर वाली हर जगह चलती नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या ड्राइविंग परमिट बनवाना, क्योंकि अपना इंडियन लाइसेंस जो है ना वो है तो भले ही इंग्लिश में, बट फिर भी हमें कुछ कंट्रीज में ड्राइव करने के लिए ना एक इंटरनेशनल परमिट बनवाना पड़ता है।
जो एक ही दिन का प्रोसेस होता है, मैंने पहले भी बनाया जब मैं बाली गया था 2019 में, तो बहुत आसान सा है, 1200-1200 रुपए लगे थे उस टाइम पे, अब पता नहीं, तो वो भी बनवाना, हाथों हाथ बन जाना चाहिए। उसके बाद जो है ये दोनों काम हो जाएंगे, फिर जाएंगे अपने पुराने वाले घर और वहां से थार उठानी है और थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ घर में वहां पे वो भी उठा के ले आएंगे। भाई सब कोर्ट तो आज थस भरा है, यहाँ लगा दो इसके आगे छोड़ो, जैसे ये खड़ी है ना बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, और अभी लंच टाइम ना हो गया, वो 1:30 बज चुका है ऑलरेडी, बट फटाफट से जाके निपटाने पड़ेंगे काम। एक तो इनके नखरे भी इतने होते हैं भाई साहब, बार बार इधर जाओ उधर जाओ, लाइसेंस में पिछली बार भी 10 जगह घुमाया था इन्होंने इधर से उधर, अभी इस बार दे टाइम पे तो सही है। इंडिया में ही गर्मी इतनी तगड़ी हो गई है, मैं सोच रहा हूँ अभी जब दुबई, ईरान, टर्की, ये तीन तो ऐसे देश है भाई, खतरनाक वाली गर्मी पड़ती है यहाँ पे, और इंडिया में गर्मी है तो वहाँ तो क्या ही हाल हो रहा होगा। हालांकि यूरोप और यूके थोड़ा सा ठीक रहेगा, बट इन तीन देशों में बहुत बुरी हालत होगी। एक तो बिल्डिंग इतनी सारी है यहाँ पे, पता ही नहीं चलता कौन सी चीज कहाँ पे है भाई, दोनों ही काम नहीं हुए यहाँ पे। जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है ना, वो ये बता रहे कि अब ऑनलाइन हो गया पूरा प्रोसेस, मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था तो कहीं भी हो नहीं रहा था, पर अब इन्होंने खोल के दिखा दिया, तो ठीक है फॉर्म खुल गया, घर जाके उसको अप्लाई करेंगे, बट जो RC है ना वो मिल नहीं पाई, वो कह रहे 1 बजे से पहले पहले आना था, और अब 2 दिन की छुट्टी है, सीधा आना है मंडे को भी। अभी एक लफड़ा ये है कि वो कह रहे हैं कि अपनी स्लिप लेकर आना नंबर की, जो शोरूम वालों ने दी थी, अब वो पता नहीं स्कॉर्पियो एन में पड़ी है या घर पे, देखनी पड़ेगी जाके, उसके बिना देंगे नहीं, FIR करवाओ कह रहा है, पर्ची खोने की फिर होएगा। चलो भाई निकले अब फटाफट से, क्या करे दोनों ही काम नहीं हुए यहाँ तो। लो भाई पहुंच गए हैं, ताला खोल तो, और कितने पत्ते हो गए भाई साहब, अंदर भी होंगे पक्का। ये खड़ी है भाई अपनी महिंद्रा थार, यहाँ पर कवर वगैरह भी पड़े हुए, ये सब उठा के भरेंगे, पहले अंदर का खाली करते हैं, और साथ साथ जो छत पे छोटा सा रूम है ना उसमें मेरा वो पड़ा है बाइक्स का शेल्टर, मैंने एक बार लिया था आपको याद होगा, तो वो भी लेना। ये ताला लग रहे हैं तो ये सब डब्बे निकालने, जो जो बेकार होंगे वो फेंक देंगे, जो जो काम के वो ले चलेंगे, और बेसमेंट अपना प्यारा सा ऑफिस, फर्स्ट ऑफिस बनाया था मैंने प्रॉपर, वैसे तो मैं रूम में ही स्टूडियो बनाया करता था, बट ये अपना ऑफिस था प्रॉपर, है ना भाई, मस्त लग रहा है एकदम। ये एकॉस्टिक फोम की शीट्स भी बची हुई है भाई, काम आ जाएगी। अपना नया घर है उसमें मैंने एक रूम खाली छोड़ा हुआ है स्टूडियो बनाने के लिए, तो वहाँ पे इसको यूज करेंगे लंदन से आके। अरे यार ये भी पड़े हैं सच, हो ये भी उठाने पड़ेंगे, है तो कई साफ पीस काम आ जाएंगे। होल दी थार पीछे से डाल दो, ये 2 गद्दे भी बचे हुए थे यहाँ पे, बाकी डंडे वंडे तो इन्हीं के ही है पर्दों के। भाई सब 1.5 साल रहे हैं यहाँ पे ऐसे, मतलब पता ही नहीं चला कब 1.5 साल ही चल गया। देखना सीलन की हालत, ओए होए होए भाई बहुत ज्यादा सीलन है, हद से ज्यादा। अलमारियों में एक बार नजर मार ही लेता हूँ कुछ छूट ना गया, देखो ये रह गया ना भाई, ये हमारा हैंड वॉश। ये ऊपर छत पे रूम था भाई, इसमें मैंने अपना सारा वो वाला सामान रखा हुआ था शेल्टर वगैरह का, इतना महंगा शेल्टर था, हमने अच्छे से पन्नी वन्नी में पैक करके रखा हुआ है, पता नहीं 35,000 रुपए का था भाई, तो ले चलते काम ही आएगा और क्या ना। तो आधा सामान ले जा चुका केशव, और ये 2 बचे ले जाता हूँ। चलो भाई चलो, सारा सामान कर लिया लोड, आज अपनी स्कॉर्पियो या BMW होती तो भाई साहब काफी सामान आ। एंड भाई आज लास्ट टाइम इस वाले घर में से अपनी गाड़ी को पार्किंग से निकाल रहा हूँ, उसके बाद से बस खत्म, यहाँ आना नहीं होगा कभी। कार में भाई साहब बैठ के ऐसे ऊंचा ऊंचा सा फील होता है मस्त, मतलब कि स्कॉर्पियो एन भी कम नहीं है भाई, वो भी प्रॉपर ऐसे टशन है गाड़ी रोड पे, आराम से ऊंचा ऊंचा फील होता है बढ़िया। लो भाई नए घर में थार जो है वो पहली बार एंट्री लेते हुए, वो देखो सामने भाई क्या लग रही है गजब, ओए होए। चलो जी चलो भाई, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट तो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, अब नहा धो के मैं जा रहा हूँ, पहले दवाई लानी है लेके, उसके बाद जाएंगे हम। चलना नहीं मंदिर वहाँ, तो चलो वहीं के वहीं निकल लेंगे फिर, और क्या बार बार कौन आएगा इधर, फटाफट हो जाओ। पहले जीजू से पूछना पड़ेगा है भी कि नहीं डॉक्टर। A few inches later, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही होगा भाई, काफी सालों से मुझे टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम थी, मतलब महीने में 1-2 बार तो टॉन्सिल्स हो ही जाते थे, जिसकी वजह से फिर बुखार होता था, बॉडी पेन। बट अभी ना मैंने 5-6 महीने पहले एक डॉक्टर है कोई मेरे जीजू के जानकार, उनसे दवाई ली थी, और वो दवाई खाने के बाद ना, मतलब 3 दिन का वो दवाई का कोर्स था, एंड भाई आज 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से मुझे टॉन्सिल्स नहीं हुए। बट कल हम यही बात कर रहे थे मम्मी और मैं कि इतने महीने हो गए, देख लो सही दवाई थी, टॉन्सिल्स नहीं हो रहे, और आज सुबह उठा भाई साहब गले की बैंड बजी पड़ी थी, बताओ बोलने तक की देरी थी, समझ रहे हो। तो अब उन्हीं डॉक्टर्स के पास वापिस जा रहे हैं कि कम से कम 6-7 महीने की राहत मिले, कि लंदन ट्रिप के दौरान ना टॉन्सिल ना हो, और प्लस जो दवाई उन्होंने लिख के दी थी ना वो दवाई मैं एक्स्ट्रा कैरी भी कर लूंगा लंदन ट्रिप में, ताकि वहां पे अगर ऐसा कुछ होता है तो खा लूंगा फिर। पर सही है भाई, आज तक मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 1 महीना या मैक्स टू मैक्स 2 महीने निकले होंगे जिसमें मेरे टॉन्सिल्स नहीं होते थे, पर 2 महीने में तो 100% 1-2 बार हो ही जाते थे, बट ये 6 महीने तक खिंच गया सही,
तो आज लेते हैं। किसी और को भी लेनी हो तो ये गुड़गांव में शिव मूर्ति है, उसके जस्ट ऑपोजिट गली है ये वाली। इस गली में मुड़ते ही भाई राइट वाली पहली गली है जो कि बहुत भीड़ी है, तो ध्यान से निकालना पड़ेगा भाई। तो देखो भाई ये वाला घर है एंड ये शॉप है जो बंद कर रखी है। अभी अंदर जाता हूँ, बैठे हुए डॉक्टर साहब अभी, जीजू ने फोन कर दिया था उनको। चलो भाई दवाई ले लिया, मतलब ऐसे पर्ची मेडिकल स्टोर से लेनी है दवाई। हाँ भाई लड़के क्या हाल चाल, ले चले तेरे को भी लंदन गाड़ी में बिठा के। नहीं जाएगा स्कूल जाने क्या तूने? हैं ओ भाई साहब, ओ भाई साहब स्कूल जाना है क्या? कौन सी क्लास में आ गया? ओ भाई साहब पास हो गया लड़का, मिठाई तो खिलाई नहीं तूने अभी तक, कब खिलाएगा? सच है ना, पास होने की तो मिठाई नहीं खिलाई अभी तक। चालू आदमी, देखी तरह देखी देखी शर्मा गया, बहुत चालू है। पास हो गए, कितने परसेंट आए? 75। ओ भाई साहब एवरेज स्टूडेंट है हमारा पार्थ, अब तो बेटा पार्टी बनती है। ठीक है चलो भाई मंदिर जाए अभी फटाफट से, पहले अंदर चढ़ाओ ऊपर। पागल है ऊपर थोड़ी चढ़ते है। ये देख क्या है, क्या ये ड्रेस पे लोग? अच्छा पहले हाँ ये भी हमने चढ़ाई थी, अब ये वाला कलर भारतीय तो कलर मैच सा हो गया। वाओ पानी अभी गर्म हो रहा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा चील्ड बोतल थी तो गैस के पास रख दिया, रखे रंग भैया गर्म हो जाएगा ना। यहाँ पे मैकरोनी ले रहे हैं, बड़े दिन हो गए। मैंने भाई वैसे 1.5 महीने से बाहर का छोड़ रखा था लंदन जाने के चक्कर में, तो बड़े दिन बाद खा के भाई सब मजा आ गया। हालांकि ज्यादा मिर्चें नहीं डलवाई मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना मसालेदार नहीं है, बट फिर भी मैकरोनी तो होती। मैं देखी है भाई इसके तो रोना शुरू हो जाता। हाँ भाई चालू पांडे क्या हाल चाल है? हाँ भाई खा के आ गया मैकरोनी शेकरोनी आज तो। फोन होने वाला भैया अपना ऑफ जल्दी जल्दी लगाते हैं। क्या है फोन ऑफ हो क्या? मम्मी कैसा लग रहा है लंदन जा रहा हूँ मैं, इतने दिन बाहर रहूंगा घर से। हैं बुरा लग रहा है ये क्या? अच्छा लग रहा है कि जा रहा है हमारा लड़का इतनी दूर? हाँ तो जा रहा तो अच्छा लग रहा है, जल्दी आना है बस। वीडियो देखना अब वहाँ पे, ठीक है देखते हैं वीडियो मेरी नहीं देखते? चलो अब घर पे आने ही बंद, भाग जाओ यहाँ से, उठो चलो 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 निकलो, निकल निकल बाहर चल भाग जा। देखा इसको तो पूरा दिन खाने की आ गया, बस खिला दो इसको जितना मर्जी है। देखे चूरा है तो क्या खा तो रहा है। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं भाई, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना।